ये देखिए, आज हम आपको कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, मैं कोफ्तों को रेड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हमने जो मटेरियल तैयार किया था, मैं आपको ये बता देती हूँ। आपने कीमा लेना है, वो आपका अपना है, आप जितना भी लेंगे। आपने उसमें प्याज और सब्ज़ मिर्च साथ ही निकलवा लेनी है, बारीक पे आपने शॉप से करवाना है कोफ्तों वाला। तो इस तरह ये आपने लेके इसके अंदर फिर जो ऐड करनी है चीज़ें, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च और साथ में दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा, और आपने साथ में सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा डालना है, और साथ में आपने गोल सुरख मिर्च जो होती है उसको भी मैश करके डाल दें। और इसके बाद आपने इसके इस तरह कोफ्ते बनाने हैं और इसको ब्राउन करते जाना है। और इंशाल्लाह फिर हम जब कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे तो वो मैं फिर आपको दिखाएंगे वो किस तरह बनाना है और किस तरह माशाल्लाह कोफ्तों का सालन रेडी करते हैं। ये भी देखें, ये रेड हो गए। अब आप इनको निकाल लें, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस अपने कीमे का ख्याल रखें, वो आपने बारीक निकलवाना है ताकि आपका कोफ्ते अच्छे बने। और इनमें आपने चने का आटा जो होता है, ब्लैक चनों का, वो भी आपने ऐड करना है। और आपने टाइटनेस का, थिकनेस का ख़ुद ख्याल करना है कि इसमें कितना आप आटा डालेंगे तो आपके इस तरह ये गोल गोल बनेंगे। ये देखें, ये आपने दबा दबा के, ये देखें, अपने मुताबिक कोफ्तों का साइज़ रख लें और ऐसे ये डालते जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। अगर आप चाहते हैं तो आप कोफ्तों का मसाला भी आप बना ले सकते हैं, जो बना हुआ बाज़ार से मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहे वो डाल लें और साथ में ये चीज़ें भी ऐड करें, इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका बनता है कोफ्तों का। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अगर आप इनको अच्छे तरह से पका लेंगे तो आप ये वैसे भी खा सकते हैं, दही का रायता बना लें, ये वैसे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इनका सालन इंशाल्लाह आपको भी बना के दिखाऊंगी। और ज़्यादा चम्मच से आपने नहीं इनको बार बार हिलाना, क्योंकि ये टूट जाएंगे। कोशिश करें कि एक तरफ से जब पक जाएं, रेड हो जाएं, तो ही आप दूसरा इसकी साइड करें चेंज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ऐसे आपने सारे कोफ्ते पहले रेडी कर लेने हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, फिर आपने इसमें जब सालन का मसाला मैं तैयार करूँगी फिर हमने उसमें ऐड करने हैं। अगर आप गरम गरम ये बना के फिर ऐड करेंगे तो ये टूट जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू।